नारनौल से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। अपने चुनावी अभियान के तहत कैप्टन अभिमन्यु जिस भी गांव या इलाके में पहुंच रहे हैं, जनता उनका जोरदार स्वागत कर रही है और आगामी चुनाव में पूरा समर्थन देने की बात कह रही है। कैप्टन अभिमन्यु के चुनाव प्रचार के तहत आज कई गांव में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दोपहर करीब 1 बजे सिंघुआ खास से उनका कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके बाद कैप्टन अभिमन्यु मदनहेड़ी, सीसर, खरबला, रोशनखेड़ा होते हुए आखिर में बड़ाला गांव पहुंचेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु के चुनाव प्रचार प्रसार की, जहां वो अलग अलग इलाकों में जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो आज भी वो कई इलाकों में चौपाल कार्यक्रम के जरिए लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके बीच पहुंचेंगे और वोट की अपील करेंगे। तो आज सिंघुआ खास से दोपहर 1 बजे उनके चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मदनहेड़ी में दोपहर 2 बजे वो चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सीसर में दोपहर 3 बजे चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खरबला में शाम 4 बजे चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रोशनखेड़ा में शाम 5 बजे वो चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ाला में शाम 6 बजे उनका चौपाल कार्यक्रम रखा गया है। ये अलग अलग इलाके हैं जिन इलाकों में पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और खासतौर पर चौपाल कार्यक्रम के जरिए वो अलग अलग इलाकों के गांव के लोगों से मुलाकात करेंगे और वोट की अपील करेंगे।